हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज बात करने वाला अपनी वीडियो में कि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ESI स्टेनो के एग्जाम कब तक हो जाएंगे और उसका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग को पता है कि अभी जो है ट्रीटमेंट वगैरह की जो है प्रक्रिया चल रही है। आगे जो है आप लोग का सीधा आप लोग का बस मिनिस्ट्रियल का ही एग्जाम होने वाला है। काफी बच्चों ने मुझे कमेंट कर दिया है कि इसमें जो है पूछा जाएगा, इसका एग्जाम कैसे होगा, इसकी सारी जो है जानकारी मैं अपनी वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो गाइस, मुझे एक जानकारी यही मिल रही है कि इसमें जो है एग्जाम ऑनलाइन मोड से कराया जाएगा। ये साफ साफ क्लियर हो चुका है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो इस ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसलिए इसमें समय कितना लग जाएगा। तो गाइस, आप लोग को पता है कि इसकी भर्ती जो होती है अगर ऑनलाइन कराई जाती है तो इसमें जो है एजेंसियों को इसका जो है टेंडर भी दिया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसका जो है लगभग प्रोसेस पूरा हो गया है। तो उसमें समय नहीं, जो समय उसमें लगता है चुनने में उतना ही समय लगेगा। और उसके बाद आप लोग का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एक नोटिस भी आ सकती है उसके बीच में कि एग्जाम कब से होगा, देन उसके 2 से 3 दिन में या हो सकता है दूसरे दिन ही आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आप लोग को जो है सेंटर मिल जाएगा। सेंटर कहाँ जाएगा? सेंटर ऑनलाइन होगा। जहाँ भी आप लोग को ऑनलाइन सुविधा होगी एग्जाम कराने की, वहाँ वहाँ सेंटर जाएगा। आप लोग का लोकल भी हो सकता है या आप लोग का बाहर भी सेंटर जा सकता है। ज्यादातर उम्मीद होती है थोड़ा सेंटर अगल बगल के जिलों में भेजा जाता है, क्योंकि जो है लोकल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, और उसमें जो है डर भी रहता है कि नकल वकल का जो भी होता है, तो इस वजह से उसको बाहर भेज दिया जाता है। और सेंटर आप लोग के कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई अभी क्लियर वो नहीं जब तक आप लोग की एडमिट कार्ड जारी ना हो जाए। तो इसमें आप लोग के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन मोड होगा। और इसमें एक लोग और जो है एक दो लोग जैसे मेरे पे कमेंट आई थी कि इसमें जो है सर GS पूछा जाएगा या क्लरिकल तो इसमें जो है आप लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया अगर है सेक्शन में तो आ सकता है, मतलब पूरी पूरी संभावना है कि ये क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा। अगर GK की बात करूं तो अभी जैसे CRPF में ऑनलाइन एग्जाम कराया गया था तो उसमें आप लोग का क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया था, क्योंकि अभी तक जो है ASI और जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता था। लेकिन जो है ऑनलाइन मोड में इसको जो है हटा के इसमें GS पूछ लिया था, क्योंकि TCS ने कंडक्ट कराया था, उसने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि काफी सारे बदलाव उसमें देखने को मिले थे। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि इसमें जो है कितना क्वेश्चन नए तरीके से पूछा गया है। तो हो सकता है BSF हेड कांस्टेबल में ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ऑनलाइन अगर जो है आप लोग करंट भी पढ़ रहे हैं तो आप करंट बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि करंट का जो है उसमें बेस पूछा गया था, तो हो सकता है इसमें भी करंट आ जाए। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड आप लोग तैयारी करते रहें, ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देना है और GS पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है आप लोग अगर ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन GS जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। यही जानकारी आप लोग कि आप लोग एडमिट कार्ड जल्दी से जारी हो जाएंगे और अप्रैल मंथ में ही जारी होने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको बिल्कुल ये ना लें कि पेपर डिले हो जाएगा, पेपर जल्दी होगा। आप लोग ये जान लें और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एडमिट कार्ड का नोटिस जल्दी आने वाला है। मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले नोटिस को जल्दी जैसे मिलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो फिर अपनी तैयारी जारी रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।